ज्यादा फूल जो है इसके गिरे हुए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन बॉयज में। सो कैसे हो आप लोग, होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में, और इस फॉरेस्ट का नाम है ढांडी जंगल। हम यहाँ पर आए हैं आज फिर से एक बार मोरल मशरूम ढूंढने के लिए, और मेरे साथ है सुनील भाई द हिमालयन ट्रैकर, जो कि यहाँ पर ऊपर मशरूम ढूंढ रहे हैं। मिली भाई कोई? नहीं यार, अभी तक नहीं मिली। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं गुच्छियाँ ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक एक भी नहीं मिली। सो गुच्छियाँ ढूंढने के लिए स्पेशली ये लकड़ी ली हुई है घास वगैरह हटाने के लिए। तो चलिए फिर मैं भी चलता हूँ। ओ भाई, वो जो है एक सामने, तो मुझे यहाँ पर एक गुच्छी मिल चुकी है यहाँ पर सामने। चलिए आपको भी दिखाते हैं। भाई यहाँ पर ढूंढ रहे थे लेकिन इनको नहीं मिली। पत्ते बहुत ज्यादा यार यहाँ पे, पत्ते तो हैं भाई। मैं दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे मिली है मेरे को, ये देखिए भाई। तो आज की बूनी हो चुकी है और काफी बड़ा मोरल मशरूम है ये। अरे एक यहाँ पे भी है भाई। ओ भाई साहब यार, इनको भी एक गुच्छी मिल चुकी है यहाँ पर, लेकिन भाई ये जो मुझे मिली है उससे काफी छोटी है। सुनील भाई की भी बूनी हो चुकी है जंगल में यार। पत्ते हैं मेरी तो ना नजरे ऐसे भाई, चक्कर आ रहे हैं मुझे पत्तों में देख देख के। पत्ते तो बहुत ज्यादा है, चलिए इनको निकाल लेते हैं फिर। सो पहले इसको निकालते हैं, थोड़ा ऊपर से निकालेंगे ये भाई। चलो भाई, जो आपको मिली है आप भी निकाल लो, हम नीचे से निकालेंगे भाई। ओ भाई, इसने तो जड़ के साथ ही निकाल दिया इसने तो। हमें एक और गुच्छी मिली है जो थोड़ी सी सूख चुकी है, लेकिन हम इसको भी निकाल लेंगे। ये थोड़ी खराब हो चुकी है, लगता है इसको फेंकना ही पड़ेगा भाई। फेंक यार, सड़ गई ये तो ना। सड़ गई। तो देखो यार, जंगलों में ऐसे ऐसे पत्ते रहते हैं और इनको हटा के कई बार देखना पड़ता है, क्योंकि इन पत्तों के नीचे भी गुच्छियां देखने को मिलती हैं, इसलिए हमने ये स्टिक ली होती है। चलिए देखते हैं इनके नीचे मिलता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर फाइनली एक और मोरल हमें मिल चुका है, तो इसको भी निकाल। और यहाँ पर सुनील भाई को भी दो मोरल्स मिले हैं। कहाँ पे है भाई? भाई ये देखिए की है यहाँ पे अंदर, ये पूरा झाड़ियाँ हटानी पड़ती है। देखो भाई बिल्कुल झाड़ियों के बीच में है, चलो दिखाते हैं। हाँ ये है भाई, एक यहाँ पे भी है, बिल्कुल झाड़ियाँ हटानी पड़ती है। और एक मोरल यहाँ पर भी है, ये वहाँ पर सामने दिखाओ भाई इनको जरा। ये देखो भाई साहब, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे काफी मिल रहे यार। हाँ भाई, तो गाइस यार बूनी तो हो चुकी है ऊपर, हमें लगता है कि काफी ज्यादा मोरल्स मिलने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं ऊपर। चलो भाई फिर इनको निकाल लेते हैं पहले। देखो भाई, तो अभी हमने यहाँ पर रास्ते में कुछ टाइम के लिए रेस्ट लिया था, अभी हम जाने वाले हैं यहाँ ऊपर वाली साइड। तो भाई फॉरेस्ट तो आप देख ही सकते हो काफी ज्यादा घना है, इस साइड जाएंगे हम। यहाँ ऊपर वाली साइड भी काफी मोरल्स देखने को मिल जाते हैं, तो आपको लास्ट में दिखाएंगे कि आज के दिन हमें कितने मोरल्स मिले हैं। सुनील भाई अभी कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ ही देर में हम यहाँ से निकलेंगे। इस साइड देखिए भाई कितना डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर आपको देवदार के, बान के और कुछ अन्य वैरायटी के ट्रीज भी देखने को मिल जाएंगे। अभी हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, तो इसके बाद हम नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नो लैपर्ड भी होते हैं, तो उनसे भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो आगे से हम नीचे की ओर उतरेंगे। गाइस तो चलते चलते हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो गुलाबी बुरांस का पेड़, और यहाँ पर नीचे देखिए कितने ज़्यादा फूल जो है इसके गिरे हुए हैं यहाँ पर, और नीचे भी भाई देखो कितने ज़्यादा फूल जो है इसके गिरे हुए हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अगर बात करें हम गुलाबी बुरांस की, तो वो हिमाचल का स्टेट फ्लावर है, और इसका जूस वगैरह भी बनाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। हम गांव के लोग इसकी चटनी वगैरह बनाते हैं जो खाने में वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अपने सुनील भाई यहाँ नीचे पहुँच गए हैं, लगभग हम वहाँ नीचे से आए हैं और वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो अभी हम एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पर एक साथ 20-25 मोर मशरूम मिलते हैं, देखते हैं इस बार कितने मिलते हैं। चलो चलते हैं फिर। चलो भाई चलो। चलो यार,
यहाँ पर भी भाई गुलाबी ब्रांस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। भाई कैसा लग रहा है फिर आज आपको? भाई थक गया यार, यहाँ पे मतलब मिल ही नहीं रहे मशरूम, मिल नहीं रहे यार। हाँ थोड़े हैं, मुझे थोड़े मिले, 4-5 मिले शायद। नीचे है एक प्लेस ऐसी जहाँ पर काफी ज्यादा मिलते हैं भाई, और काफी ऊपर आ गए हैं यार हम, देखो बिल्कुल जंगल के बीच में आ गए हैं नीचे। हाँ। देखो वहाँ से चढ़ के आए हैं भाई, काफी ऊपर आ चुके हैं। 1 घंटा लगेगा भाई नीचे पहुँचने के लिए। कोई ना, जाएंगे आराम से। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं उस लोकेशन पर जहाँ पे मैंने बताया था कि एक साथ काफी ज्यादा मोरल्स मिलते हैं। तो ये है वो लोकेशन, देखते हैं आज मिलते हैं नहीं। और यहाँ पर हमें एक मिल चुका है, एक भाई, 2, 3, 4 और एक और ऊपर भी है, 5, पूरे 6 भाई। तो यहाँ पर अभी हमें 6 मोरल्स मिल चुके हैं, या आगे पीछे भी देखते हैं शायद यहाँ पर भी हो। भाई लगता है इस बार यही मिलेंगे, पिछली बार तो काफी ज्यादा मिले थे। और एक यहाँ पर भी मिल चुका है। तो यहाँ पर अभी केवल 7 मशरूम ही मिले हैं, पिछली बार यहाँ पर हमें 15-20 मिल चुके थे, लेकिन ये भी काफ़ी है। आज हमें लगभग 10-15 मशरूम जो है मिल चुके हैं। तो चलते हैं, अब थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा है, चलते हैं सुनील भाई। चलते हैं यार, चलते मुझे तो मिल ही रहे हैं भाई। हाँ भाई ये देखो भाई, ये मिले हैं मेरे को एक साथ, ये काफ़ी बड़ा है यार। हाँ ये बड़ा है भाई, ठीक है, ये मज़ा आ गया आज तो। 1, 2, 3, 4 बाकी गए ये है भाई, एक ये है, अच्छा, एक यहाँ पे भी है, एक ये है छोटा सा। ओ भाई ये भी है एक। हाँ भाई ये तो भाई दिख नहीं रहा है। और एक यहाँ पर है भाई, ये देखो, ये तो सड़ गया यार। हाँ थोड़ा सड़ गया, देखते हैं नहीं तो इसको रहने देंगे यहीं पे। गाइस तो वापस आकर पहुंच चुके हैं हम घर में, और आज हमें ये गुच्छियाँ मिली हैं, 10-15 गुच्छियाँ आज मिली हैं। स्पेशली ये वाली जो गुच्छी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो एंड करेंगे आज की इस वीडियो को, होप सो आपको आज का ये ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।